इंडिया द लैंड ऑफ फ्रेंडशिप वेलकम्स यू, ये इसलिए लिखा है क्योंकि पाकिस्तान के लोग इधर से आते हैं, यहाँ से बस के थ्रू इंडिया पाकिस्तान। ये जो रावला कोट लिखा है ये पाकिस्तान में, ये भाई बता रहे हैं कि ये जो मिलिटेंट्स वगैरह आए थे उनका इरादा कुछ और था, कि ये पूरे पूंछ पे अटैक करना था। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा धमाका होता हो, तो वो क्यों करते हैं फायरिंग? वो मिलिटेंट आर पार करने के लिए। अच्छा, मिलिटेंट को आर पार करने के लिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स। कश्मीर एलओसी राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम हैं सुंदरबनी में। सुंदरबनी जम्मू से करीब 80 किलोमीटर आगे है। जब आप नौशेरा सेक्टर या राजौरी या पूंछ के रास्ते जाते हैं तो आपको ये जगह मिलता है। कल क्या हुआ था, अगर आपने वीडियो देखी है तो मैं आपको बता दूं कि कल रास्ते में बारिश इतनी तेज हो गई थी कि हमारा प्लान तो था राजौरी जाने का, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एक महादेव होटल हमें मिला इन सुंदरबनी, हम यहाँ आकर रुक गए। आज हमारा प्लान ये है कि आज हम यहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स नौशेरा, राजौरी एंड देन फाइनली एट पूंछ। पूंछ के लिए हम अपना सामान यहाँ से पैक कर रहे हैं। ये जो पूरा कमरा है ये 8x8 का कमरा था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और काफ़ी रीजनेबल रेट पर हमें ये मिल गया था। रीजनेबल भी नहीं बोलूँगा, उससे भी नीचे 400 रुपये का कमरा। भाई आज तक इतने सस्ते में तो मैं नहीं रुका किसी कमरे में। फिलहाल यही प्लान है कि फटाफट सामान को पैक करते हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, सामान पैक करते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और आज की राइड की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, हम रुके थे होटल महादेव में, यहाँ पर अपनी बाइक पार्क थी, बाइक पूरी तरीके से सामान वगैरह डाल दिया मैंने, और अभी भाई मिले, राहुल भाई यहीं से। आपका क्या नाम है? विकास भाई तो होटल से ही हैं। राहुल भाई अभी रास्ते में मिले, इन्होंने हमें पहचाना, बड़ा अच्छा लगा। मतलब इतने दूर दराज शहर में भी कोई ऐसे मुझे पहचान ले कि हाँ चलो देखते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी थैंक यू सो मच राहुल भाई, अच्छा लगा। विकास भाई आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और चले फिर केवी आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे शायद ऐसा हो सकता है कि बारिश फिर से लगने लगे। खैर आज के इस राइड की शुरुआत करते हैं, और आज के इस राइड की शुरुआत करते हैं अपने महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। फिलहाल तो बड़ा ठंडा सा मौसम लग रहा है, बस ऊपर, नीचे तो मैंने इतना कुछ पहन लिया है, रेन लाइनर विंटर लाइनर सब कुछ पहन लिया भाई, तो नीचे लग रही है गर्मी, ऊपर लग रहा है ठंडा। भाई यार ये अचानक से एक मोड़ काटते ही एक कोई गाँव आया, अब ये पता नहीं कौन सा गांव है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है छोटे छोटे पहाड़ हैं, बीच में वैली है, फिर पहाड़ है, फिर वैली है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत समीप है, बहुत पास है, इसलिए मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकता। मतलब उड़ा तो सकता हूँ, फिर उसके बाद जो पिटाई होगी वो नहीं झेल सकता। इसीलिए मैं ड्रोन नहीं उड़ा रहा हूँ यहाँ पे। पर यार ये बहुत सुंदर सा लग रहा है। यहाँ से पूंछ है 160 किलोमीटर, और हम तीन रास्ते हैं पूंछ जाने के, एक है नौशेरा होके, एक है भतेरा होके, और एक बीच में कोई जगह है, मतलब साइड वाला कोई जगह है, पर हम जा रहे हैं नौशेरा। नौशेरा में हमें कुछ ऐसा काम नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि वो एक LOC विलेज पड़ता है, और ये हमारे राइड का मोटो ही यही है कि हम हर LOC विलेज को ट्राई करें एक्सप्लोर करने का, देखने का, जाने का। तो हम नौशेरा होकर जाना चाहते हैं, लेकिन लगता है अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, गाड़ियाँ बहुत आ रही है। जाऊँ भैया? आ जाओ। रास्ता बड़ा सुंदर हो गया है, हालांकि आगे लोगों ने बताया है कि रास्ता ख़राब मिलेगा, पर ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस इतनी है कि बारिश ना मिले। इस रास्ते से अगर आप चाहो तो इस रास्ते से आप श्रीनगर भी जा सकते हो, एक बहुत ही फेमस रोड है मुगल रोड, ओल्ड मुगल रोड, उस रास्ते से आप श्रीनगर जा सकते हो। यहाँ से हम जाएंगे स्वर्णकोट, शायद एक वैली है, नाम मैं शायद गलत बता रहा हूँ, मैं आगे जाके कंफर्म कर दूंगा। बाकी यहाँ से वहाँ जाकर फिर पीर की गली होकर फिर हम जा सकते हैं श्रीनगर, और हम जाएंगे, जा सकते नहीं हैं, हम जाएंगे। उस रास्ते को भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस बारी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना पॉसिबल हो सके वो सारी जगह जो अनटच्ड है, जो लोग जहाँ कम जाते हैं उन जगहों को आपके सामने लेकर आऊँ। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं नौशेरा यहाँ से 18 किलोमीटर है। तो यहाँ से जो हम जा रहे हैं ये रास्ता, जितना भी रास्ता है ये LOC के बहुत पास है। इससे पहले जो हम रास्ते पे थे वो बॉर्डर के बहुत पास था, लेकिन ये रास्ता है LOC से बहुत करीब। अभी तक अगर मैं रोड की बात करूँ तो भाई रोड मक्खन बना रखा, मतलब बहुत बढ़िया बना रखा है, और
हालांकि लोगों ने बोला है कि रोड आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बीच बीच में चल भी रहा था, पर एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से 15 मिनट में आप पहुँच जाएंगे नौशेरा। अब या तो नौशेरा पहुँच कर या नौशेरा से पहले कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। नौशेरा से करीब 5-6 किलोमीटर पहले हमने एक ब्रेक लिया और यहाँ पर हम खा रहे हैं अपना फेवरेट आलू पराठा, छोले, दही। लोग मुझे कहते हैं कि वीडियो कंप्लीट नहीं हो रही है अगर आलू पराठा नहीं आ रहा। भाई रेनकोट का टाइम आ गया क्योंकि बारिश का कुछ कह नहीं सकते, बारिश होने भी वाली है, हो भी रही है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। बारिश स्टार्ट हो गई। चलो फिर भी हमने अपना जो गोप्रो है उसको थोड़ा बहुत डक टेप से माउंट करके, डक टेप से चिपका के थोड़ा सा वाटरप्रूफ बनाया। हालांकि गोप्रो वाटरप्रूफ होता है लेकिन क्योंकि हम माइक वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसका पूरा कवरिंग हटाते हैं जिसकी वजह से वो वाटरप्रूफ नहीं रह जाता। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये कि हम नौशेरा सेक्टर अप्रोच कर रहे हैं। और नौशेरा के बारे में अगर मैं बताऊँ तो आज़ादी से पहले ये मीरपुर का डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था। आज़ादी के बाद ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट में आ गया। कुछ समय के बाद जब पूंछ रेबेलियन चल रहा था तो उस टाइम इसको नौशेरा को और पूंछ को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, लेकिन बाद में कुछ प्रेशर वगैरह पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इसको वापस से रजौरी में मिला दिया गया। रजौरी का तहसील है अब और यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है जो कि बहुत फेमस है। अभी एग्जैक्टली कौन सी नदी है ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने गूगल मैप नहीं लगा रखा। गूगल मैप से पता चल जाता है कि कौन सी नदी है, पर ये जो लोकेशन है ये बहुत सुंदर लग रहा है यार। नदी के उस पार ये ऐसा लग रहा है छोटे से टीले पे लोग घर बना के रह रहे हैं। ये कौन सी गाड़ी है भाई, ये गजब गाड़ी लग रही है। ये तो ऐसी गाड़ी मैंने पबजी में चलाई है। 30-40 गाड़ियाँ गई है अभी। भाई मैं बस ये देख रहा हूँ सारे लोग उधर से आ रहे हैं, इधर से कोई जा नहीं रहा है ना, जा क्यों नहीं रहे इधर से। तो यार हमने यहाँ पे एक ऐसे ही रैंडम स्टॉप लिया है। ये हम रजौरी से करीब 15 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पे जो केवी है उसको कुछ माउंट्स चाहिए थे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्या नज़ारे हैं। ये देखो भाई, ये दूर कोई नदी बह रही है और यहाँ इस तरीके से मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, अचानक से बारिश फिर से शुरू हो गया। रजौरी करीब 10 किलोमीटर है, पूंछ यहाँ से करीब 110 किलोमीटर है या फिर 100 या 120 किलोमीटर एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि गूगल मैप लगाया भी नहीं है। अभी ऐसा कर रहे हैं कोई भी टर्न आता है तो वहाँ पे लोकल लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई किधर जाना है किधर। भाई आगे के नज़ारे देख के लग रहे हैं कि वापस चलते हैं, इतनी ज़्यादा बारिश दिख रही है आगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई। आगे तो लग रहा है पूरा एकदम प्रचंड रूप से बारिश है आगे। यहाँ पे रजौरी रह रहा है करीब करीब 5 किलोमीटर और रजौरी से पहले रास्ता हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब, बारिश हो गई है तेज़। अब बारिश के कारण फटाफट एक जैसी जगह रोक के ग्लव्स उतारना पड़ेगा वरना ग्लव्स गीले हो जाएंगे, इनफैक्ट ग्लव्स गीले हो चुके हैं। भाई अभी पीछे बहुत ज़्यादा ही जाम लगा हुआ था, आर्मी के ट्रक्स बहुत ज़्यादा थे इसीलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। और रोड पे थोड़ा सा ऑयल गिरा हुआ था, केवी के टायर पे ऑयल लगा, उसके जूतों पे लगा, ब्रेक मारते मारते इसने चुम्मी ले ली मेरे से। भाई गजब, केवी ने हद पार कर दी आज। इतनी बारिश हो रही है और उसको भुट्टा खाना है, यहाँ रुका पड़ा देखो वो भुट्टा खाने के लिए। केवी ये दाना खा के फिर बाकी का क्या करते हो? जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा जद्दोजहद की वो आधा भुट्टा हमारे पास है, आधा केवी के पास है। केवी चीयर्स, भुट्टा खाओ, बारिश के रुकने का वेट करो। तो भाई इधर भुट्टा खाते खाते हमने बारिश का छुट्टा कर दिया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। पूंछ है 82 किलोमीटर्स। ऐसा लग रहा है भाई बारिश होने के बाद ये अल्ट्रा HD और गोप्रो भी तो अपना ही अल्ट्रा HD हो गया। ऐसा लग रहा है बारिश होने के बाद एकदम बढ़िया माहौल बन गया इधर। क्या साफ साफ दिख रहा है, वो देखो वो जो ईगल उड़ रहा है और ये पूरा ग्रीनरी। रोड खराब है बस, बाकी तो यहाँ पे बहुत सुंदर।
ये देखो यार, ये है दुबे ब्रिज जिसमें लिखा हुआ 169 एलओसी। अब पता नहीं 169 किलोमीटर है एलओसी, क्योंकि एलओसी इतना दूर तो नहीं है, पूंछ से ही एलओसी दिख जाता है। स्पैन 45 मीटर, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है ये शायद। तो यार हम फिर से रुक गए, क्या करें यार, ये जो जगह है ना, ये जम्मू और ये कश्मीर की वैली, ये हमें हर मोड़ पर कहती है रुक जा, ठहर जा, देख के जा। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बारिश के बाद और ज़्यादा क्लियर हो गया है। एक बार देखो, चेक करो आप। तो थोड़ा सा फोटो वीडियो ये सब रील वगैरह बनाने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब चलते हैं पूंछ की तरफ। रोड इधर तो मक्खन है भाई। हमारी एंट्री हो चुकी है पूंछ सेक्टर में और पीछे पूंछ का एंट्री था जिधर चेक पोस्ट वगैरह होता है, हालांकि हमें रोका नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कश्मीर के जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं वो दिख रहे हैं। हालांकि ये GoPro 11 है लेकिन इसकी भी सक्षमता या सामर्थ्यता नहीं है कि ये उधर के पहाड़ जो बर्फ़ वाले हैं वो सब दिखा पाए। हाँ, लेकिन सुंदर बहुत लग रहा है ये। क्या वैली नज़र आ रही है यार यहाँ से, देखो हर पहाड़ पे ऐसे, ऐसा ऐसा वाला सिस्टम नहीं है कि मनाली और शिमला जैसे छोटे छोटे घर हर जगह लगा रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। बहुत सुंदर लग रहा है और पता नहीं उस साइड उतने दूर तक क्या देख पा रहे हैं हम, क्या वो बॉर्डर पार है, एलओसी पार है, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो एलओसी पार ही है। मौसम आज हर घंटे बदल रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, साथ ही साथ धूप भी खिले हुआ है, बादल भी वाइट वाले हैं, काले बादल नहीं है। आज मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मौसम क्या है। खैर, यहाँ से जो पूंछ है वो 35-40 किलोमीटर के बीच है, जहाँ पहुँचने में हमें 58 मिनट, ये मतलब एक घंटा लगेगा, गूगल मैप 58 मिनट बता रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी करीब 10 किलोमीटर में आ जाएगा सुरनकोट, सुरनकोट से रास्ता कटेगा, सुरनकोट हम कल वापस आएंगे, मतलब जो 20-25 किलोमीटर है वो हम कल वापस आएंगे और वहाँ से जाएंगे पीर की गली होते हुए कश्मीर। 31 BRTF वेलकम्स यू टू पूंछ। और इस रास्ते से शायद हम चले जाते हैं पीर की गली। देखिए जरा यहाँ खाने को क्या क्या मिलेगा। क्या हाल है सर? बढ़िया। खाने में अभी क्या क्या मिल जाएगा? मीट चावल है। सब्जी है। सब्जी किस चीज की है? कद्दू की है। और मीट किसका है? चिकन का है? मुर्गे का है। तो हम अभी रुके हुए हैं कलाई में और यहाँ से पूंछ है करीब 20 या 18-20 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो अभी हमने सोचा कुछ खाते हैं, यहाँ पर हमें एक ढाबा मिला और बाकी भैया बता रहे थे कि ये जो पहाड़ी आप देख रहे हो, जो बर्फ़ वाली पहाड़ी है, इसके जस्ट पीछे, जस्ट अगर हम बात करें तो जस्ट पीछे है गुलमर्ग और उसी रास्ते से ऑब्वियसली हम आगे जाएंगे तो श्रीनगर भी आ जाएगा और भी बहुत सारी जगह आ जाएंगी, लेकिन इसके जस्ट नीचे है गुलमर्ग। भाई चिकन निपटा दिया हमने, चिकन चावल। भैया आपका जो चिकन था ना वो बहुत टेस्टी था, बढ़िया था। ये हम खा रहे थे मियां बशीर लारवी साहिब होटल, लजीज खानों के लिए, खानों के लिए तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ क्यों लाए? पूरा पूरा है। 15 मिनट और लगेंगे भाई, 15 मिनट में हम पूंछ पहुंच जाएंगे, 15 से हो सकता है 20 मिनट। यार ये देख के ना मेरे मन में ऐसा आ रहा कि कितना सुंदर जगह है भाई ये।
क्या हाल है भाई? अभी चैनल खोला हमने फाइट में देख। हाँ यही है आपका? कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? गगनदीप सिंह। आपका क्या नाम है? आपका करन। मेरा नाम शुभम है। कैसे हैं आप लोग? हमारा दोस्त एक शुभम है। अच्छा यार, हमारा नाम ही ऐसा हर गली में मिल जाता है। बढ़िया है बढ़िया। वो जो पहाड़ियाँ हैं ऊपर वाली, वो इंडिया में है? ये जो दिख रही है ना, ये पहली वाली। हाँ वो दो पोल दिख रहे हैं ना। हाँ बस ये वाले के पास। वो जो आगे सामने होके सामने वो दिख रहा है ना वन लास्ट। हाँ तो भाई ये अभी अचानक तीन भाई मिले। पहले इन्होंने हमारा चैनल देखा, फिर चैनल पर देखा कि यार चैनल पर तो सब्सक्राइबर ठीक ठाक है, तो चलो भाइयों से मिलते हैं। और ये हमसे मिलने आए और अभी ये हमें लेकर जा रहे हैं बॉर्डर, कि कहाँ है बॉर्डर ये हमें अच्छे से दिखाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये जा रहे हैं भाई, हम तो थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। और बॉर्डर से जैसे ये बता रहे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से केजी टॉप है 21 किलोमीटर और चकंडा बाग है 8 किलोमीटर, पूंछ 4 किलोमीटर। और ये एक ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज जो है इसके नीचे पूंछ रिवर बह रही है। और मेरे ख्याल से जो पूंछ नदी है ये आ रही है पीर की गली से, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई हाई माउंटेन पास है तो वो सामने आपका जो मैंने थोड़ा देर पहले आपको दिखाया था, ये वही है। और उसी जगह से शायद नदी बह के आ रही है। वेलकम टू द वैली ऑफ सूफीज एंड सेंट्स। अच्छा मुझे लगता है कि भाई मैं यहाँ पे अगर LOC देख लेता हूँ आज, तो ये पूरा पूरा महादेव की कृपा है, क्योंकि आज कोई प्लान नहीं था और मुझे लग रहा था शायद हम कल यहाँ रुक के एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन तीन भाई मिले। और ये जो रास्ते से लेकर आए, मुझे लगता नहीं कि मैं शायद आ भी पाता बिना किसी गाइड के, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे किधर है LOC, क्या है नहीं है। ये तारों के नीचे से तो नहीं ले जा रहा? योर विजिट हैज़ टचिंग आवर हर्ट्स, गो विजिट सून, गो विजिट अगेन, डू विजिट अगेन। रावलकोट 40 किलोमीटर। ये रावलकोट मुझे ऐसा लगता है कि POK में तो नहीं है, यहाँ से 40 किलोमीटर कहाँ जाएंगे भाई। ये शायद मुझे कोई ट्रेड सेंटर लेके जा रहे हैं, जहाँ से इंडिया और पाकिस्तान के थ्रू, एक दूसरे के थ्रू ट्रेड करते हैं लोग। यहाँ से लेफ्ट रावला कोट। पता नहीं यार, ये लास्ट गेट है। ये लास्ट गेट है इसके आगे जो सेकंड गेट है, बस वो लास्ट गेट है। मतलब ये यहाँ से एंट्री स्टार्ट है। ये सारा बॉर्डर एरिया जहाँ हम खड़े हो ना, ये बॉर्डर है यहाँ से। वो सारा जो घर है वो किधर, किसका है वो? सामने वाले इंडिया में, वो सामने वाली पहाड़ी इंडिया में जो उस साइड आ रहा है। यहाँ से दो तीन पहाड़ी छोड़ के पाकिस्तान, बस 3 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा हम यहीं तक जा सकते हैं। तो ये लास्ट गेट है जहाँ तक आप इंडिया के, मतलब लास्ट लैंड तक आ सकते हो। इसके बाद एक और गेट है, उसके बाद फिर अलाउड नहीं है। यहाँ से आर्मी का स्टार्ट हो जाता है मामला। ये है भाई LOC, मतलब इस पहाड़ के उस साइड आपका। अच्छा ओके, ये जो रावला कोट लिखा है ये पाकिस्तान में? अच्छा 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 अच्छा, ये रोड जाता है सीधा। तो ये बताओ, ये जो नदी वगैरह है ये पाकिस्तान जाती है? ये पाकिस्तान तो जा ही रहे, पूंछ रिवर है ना ये। इसके उस साइड भी हम जा सकते हैं, मतलब उस तरफ? हाँ वो हिंदुस्तान में सारा गांव, वहाँ जा सकते हैं हम। वहाँ से भी कोई गेट होगा आगे? मेन गेट यही है, मेन गेट यही है। यहाँ से बस के थ्रू इंडिया पाकिस्तान। तो उसके लिए तो मतलब अब तो नहीं जाने देते ना इंडिया से? ये तार कौन सा कह रहे थे आप? ये इसके उस साइड आपका POK, मतलब बॉर्डर पे फायर शायर होता है ना, तो यहाँ पे पूरे यहाँ पे गोले चले जाते हैं। अच्छा यहाँ आता है सीज फायर फायरिंग होती है ना, तो ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पास में हो रही है। अच्छा सामने दिखती है रात को आप छत पे चढ़ रहे हो, सामने दिखती है जब होती है। पोस्ट कितना दूर होगा यहाँ से? 4 किलोमीटर होगी बस, ऊपर ही होगी ये, ऊपर पोस्टिंग ही ऊपर, ये दिख रही नहीं है, रात को लाइट ऑन हो जाती है। तो ये है इंडिया और पाकिस्तान का LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, इसके पीछे आ जाता है POK और ये पूरा पूंछ। मित्र देश भारत आपका स्वागत करता है, इंडिया द लैंड ऑफ फ्रेंडशिप वेलकम्स यू। ये इसलिए लिखा है क्योंकि पाकिस्तान के लोग इधर से आते हैं। योर विजिट हैज टच्ड आवर हर्ट्स, डू विजिट अगेन। तो अभी हम जा रहे हैं करण भाई के साथ। कहाँ जा रहे भाई? नवग्रह मंदिर। तो ये जो रोड आप देख रहे हो, ये रोड वैसे देखा जाए तो इंडिया से पाकिस्तान को जो कनेक्ट करता है, ये मेन रोड है। और इसको अभी
जो रोड कंस्ट्रक्शन है इसका, रोड कंस्ट्रक्शन होना है, इसको चौड़ा करेंगे। इसको फोर लेन बनाएंगे, टू लेन बनाएंगे? तो कह रहे हैं इसको फोर लेन बनाएंगे और फिर शायद इसका मतलब ट्रेड सेंटर फिर से खुलने वाला होगा। तो ये रहा मंदिर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये है नवग्रह मंदिर। और यहाँ जितने भी मेमोरियल्स हैं ये उन ब्रिगेडियर्स के, उन जवान के हैं जो यहाँ पर पूंछ वॉर में शहीद हुए थे। और ये यहाँ पे पूरा पूंछ का ऐसे व्यू है इस पहाड़ी से। और इधर कौन सा लास्ट लाइट बताया था भैया, वो वाला? तो ये जो सबसे लास्ट लाइट है ये इंडिया का लास्ट पोस्ट है। इधर बाकी इंडिया के पोस्ट वगैरह हैं। और ये जो आप देख रहे हो पहाड़ी जिस पे धुंध पड़ी है ये है पीओके। तो यहाँ पे भाई लोग मिले, इन्होंने बताया कि कभी अगर यहाँ पे रात में फायरिंग वगैरह होती है तो ऐसा लगता है सामने, सामने। अच्छा, फायरिंग जो होती है वो सीज फायर करते हैं? हाँ। तो यहाँ सिटी में नहीं आता? सिटी में नहीं आता। तो वो क्यों करते हैं फायरिंग? वो मिलिटेंट को आर पार करने के लिए। अच्छा, मिलिटेंट को आर पार करने के लिए। तो जैसे मिलिटेंट वगैरह आप कह रहे हो तो अब तो नहीं आते होंगे? अब तो नहीं, कम हो गया, बहुत पहले थे। तो अब फायरिंग भी कम है? अब बहुत कम, अब साल तो हो गया हुआ ही नहीं है कुछ, एक साल से, एक साल से कुछ नहीं। एक साल से जब होता है पूरा पुंछ हिल जाता है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा धमाका होता हो। इधर से ही जनरली होता है? हाँ, बिल्कुल। सामने जो सामने फर्स्ट में ग्रीन वाली वो नहीं है? हाँ, ट्रेड सेंटर वहाँ पे अटैक हुआ था। इस पे वो सामने वो ग्रीन शर्ट नहीं है, ग्रीन शर्ट है सामने, उस पे किसने अटैक किया? यहाँ पे मिलिटेंट्स आए थे ना, यहाँ पे तीन थे यहाँ पर। कब की बात है ये? हो गया इसको दो साल हो गए, नहीं ज्यादा, 18 में, 18 में नहीं 19 में, 18 के 19 पे चार साल हो गए लॉकडाउन से पहले। और यहाँ पे फिर हमारा एक सीआईडी ऑफिसर शहीद हुए थे। ओ, तीन मिलिटेंट थे। बाकी यहाँ मंदिर भी बहुत ज्यादा है क्या? हाँ, मंदिर है, मस्जिद है, ये मस्जिद आ गया, वो मंदिर हो गया, गुरुद्वारे, मस्जिद, सब कुछ है। एक चीज भाई ने अच्छी बोली कि यहाँ पे जितने भी धर्म के लोग हैं सब कोई बड़े आराम से साथ में मिल के रहते हैं, कोई अच्छे से रहते सब भाई भाई। ये भाई बता रहे हैं कि ये जो मिलिटेंट्स वगैरह आए थे उनका इरादा कुछ और था, कि ये पूरे पूंछ पे अटैक करना था। वहाँ पे हमारे सीआईडी वाले से मेरे से राजू नाम था उनका, तो उनको गोली लगी, उस वजह से भी पूरी पुलिस आर्मी को पता चला, नहीं तो उन्हें पता पूंछ में कितना नुकसान करना था। फिर वो सबको मार दिया? हाँ, उनको मार दिया था। 4 दिन ऑपरेशन चला था यहाँ पे, तो पुलिस और आर्मी ने मिलके सबको मार दिया, सबको मार। उसके बाद से अभी तक सब शांत? अब सब शांत, चलो ऊपर वाला घर शांति रहे। ऐसे आप जैसे यहाँ पे रहते हैं, मतलब थोड़ा बॉर्डर एरिया है, आपको कैसा फील होता है? बिल्कुल अच्छा ही होता है, मतलब इतना जैसे आप, जैसे आपका वहाँ पे है ना, वहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा ही है। तो जैसे हम थोड़ा सा बॉर्डर से दूर है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एकदम पास में हैं और पीछे कुछ ऐसे हालात भी हुए, तो उसको लेकर कैसा आप सेफ, क्या क्या फील कर? सेफ तो है, जब तक इंडिया आर्मी है तब तक हम सेफ ही हैं। जय हिंद, जय हिंद की सेना। बाकी ये जो अगर आप देख रहे होगे छोटे छोटे, ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा, ये अपने इंडियन आर्मी के पोस्ट वगैरह हैं और इसके पीछे जैसा मैंने बताया पीओके। तो यहाँ पर अभी हम ये सारा सब कुछ देखने के बाद छोटी सी पार्टी कर रहे हैं और चाय पार्टी हो रही है। चीयर्स टू न्यू फ्रेंड्स एंड चीयर्स टू लाइफ। ठीक है भाई, चीयर्स। तो हमें यहाँ पर पार्टी करते करते हमें तीन छोटे छोटे हमारे फ्रेंड्स मिले। आपका क्या नाम है बताओ? विवान। विवान, आपका? माय नेम इज रूही शर्मा। आपका? माय नेम इज प्रियंका शर्मा। और ये लोग बहुत ही क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं। और एक बात केवी को इन्होंने बोला, केवी ने केवी से इन्होंने सब्सक्राइबर पूछा, इन्होंने बोला 6,000। किसने बोला? क्या बोला आपने? 6,000 कम होते हैं? कम होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी बहुत अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद आपको भी अगर वीडियोस बनाना होगा आप भी बनाना, लेकिन लेकिन पहले पढ़ाई, ठीक है? फिर बचे हुए टाइम में, फिर बचे हुए टाइम में फिर वो ये सब करेंगे, ठीक है? आप भी स्कूल में छुट्टियां पड़ी हैं इसलिए बनाता हूं। हां, और बाइक अगर आप चलाओगे आगे चल के तो स्टंट नहीं मारना, बाइक लेके ट्रैवल करना, ठीक है? मेरे को आएंगे जब मारूंगा ना। चलो ठीक है, हाथ मिलाओ। आप भी, आप भी, ऑल द बेस्ट। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं किसी होटल के पास। बाय बाय। ये कह रहे अगली बार जरूर आना, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये। और ये है पूरा पुंछ शहर। तो भाई मिल गया हमें अपना स्टे और
यहाँ पर हम रुक भी गए थे, ये नेक्स्ट डे है और आज हम निकलने वाले हैं। लेकिन आज का जो प्लान है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जिस रास्ते को करने के लिए, जिस जगह को देखने के लिए, जिस फेमस रोड से हम गुजरने के लिए आए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लैंडस्लाइड हो गया। क्या चीज़ें हुई है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर हमें पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते गाइस बहुत जल्द कश्मीर एलओसी राइड के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।